श्री राम जी, स्वागत है आपका। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम यूपी से बात कर रहे हैं, यूपी देवरिया। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है, मेरे पेशाब में 4+ आता है प्रोटीन। एज कितनी है आपकी? एज हमारी है 64। ठीक है सर। पेशाब में प्रोटीन आना एक नुकसानदेह बात है, उस पर पूरी तवज्जो दें, नहीं तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। जो दवाएं चल रही हैं आपकी वो चलती रहने दें, और एक नुस्खा आप बना लें। आप देवरिया से हैं तो अलसी ज़रूर जानते होंगे। अलसी ले लीजिए 100 ग्राम, और एक आती है लाजवंती, लाजवंती 100 ग्राम, और इन दोनों को हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, और इसका 1 चम्मच दूध में डाल दें। और एक आता है गौंद चिलगोजा, ये अलग से ले लें 100 ग्राम, इसका पाउडर करके रख लें। ये एक कच्ची दवा है और रॉ मटेरियल है, इसको अलग से पाउडर करके रख लें। जब ये खाएं तो एक चुटकी लें और दूध में डाल दें, गरम दूध में या गरम पानी में। और ये जो अलसी और लाजवंती का पाउडर है वो 1 चम्मच डाल दें। अपनी ज़रूरत का मीठा कर लें, इसे शक्कर वगैरह मिला लें, और दूध बहुत गर्म होना चाहिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें शक्कर वगैरह मिलाकर ये रोज़ाना एक खुराक खा लिया करें, या 2 बार खा सकते हैं, इससे आपको फायदा होना मुमकिन है। श्री प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हेलो, जी बताइए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है, अनीता मैं जी। इंदौर से बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, बताइए, सवाल करिए। मेरे पैर में तकलीफ है, हाँ मैं चल नहीं सकती हूँ ज्यादा, पैर में झंझनी आती है, 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं चल पाती हूँ, कब से तकलीफ है मेरे को आपको रुकना ये? पड़ता है। कई 4-5 साल हो गए मेरे को। और उम्र कितनी है? उम्र है मेरी 65। कोई नुस्खा हकीम साहब का अपनाया आपने? नहीं अभी तक तो नहीं अपनाया, आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ठीक है मैम। देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, और उसके साथ एक दो हिदायतें भी हैं। हिदायतें ये हैं कि अपनी ज़रूरत में आप टॉयलेट जो यूज़ करें वो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, कुर्सी वाला, ठीक है। और झाड़ू पोंछा करना छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, वज़न उठाना ज़्यादा मेहनत करना छोड़ दें, बस कुछ दिनों के लिए। और ये धनिया है आपके किचन में, धनिया लें 1/2 चम्मच। और एक आता है गोंद स्याह, स्याह मतलब काला, गोंद स्याह या काला गोंद। अच्छा, ये आपके इलाके में नकली बहुत मिलता है, इंदौर में बेहिसाब नकली मिलता है, तो असली गोंद स्याह आपको लेना है। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। 1/2 ग्राम गोंद स्याह 1/2 चम्मच धनिया के पाउडर में मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद पानी से या दूध से खा लें, और ऐसे ही 1/2 ग्राम गोंद स्याह रात को खाने के बाद 1/2 चम्मच धनिया के पाउडर के साथ खा लिया करें, बस काफ़ी है। 2-3 महीने तकरीबन लग सकते हैं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। हकीम साहब को भी स्वागत आपका, जय हिंद। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मेरे बहनों ही हैं, हम्म, उनकी उम्र 55 साल है, हम्म, उनको शुगर है बहुत टाइम से, करीब 3 साल से, हम्म, तो इनको 250-300 शुगर रहती है और इंसुलिन लेना पड़ते हैं उनको। ठीक है जी, और उनके लिए कुछ बताइए आप। अच्छा और है देखिए, ना, एक और सवाल है मेरा। मेरी अम्मी है, उनकी उम्र 75 साल है, उनको जब वो खाना खाती है ना तो उनको नवाला अटकता है, मतलब खाना नीचे नहीं उतरता है ठीक से। ठीक है, बस यही पूछना है हकीम साहब से। अच्छा देखिए, आपकी वालदा की बात पहले करते हैं। अलसी ले लीजिए, अलसी, और उसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें, और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा जो आपके किचन में है, और नमक जैतून असली ले, ये नकली भी मिलता है, एक 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 चुटकी ये पानी में मिला लें, और 1/2 चम्मच अलसी उन्हें खिलाएं
चाहे तो शहद में मिलाकर भी खिला सकते हैं, और ये पानी पिला दिया करें दिन में एक बार या दो बार, आपकी वालदा का ये मामला अच्छा होना मुमकिन है। देखिए शुगर के लिए कुछ उसूल बना लें, बहनोई साहब से ताल्लुक से बात कह रहा हूँ कि 5 बार खूब गर्म पानी ज़रूर पिया करें, 5 बार, इससे शुगर बहुत कंट्रोल आती है। और 1 घंटा पैदल चलने को कहें मेरी तरफ से कि 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें, चाहे पूरे दिन में 1 घंटा चलें या उससे ज़्यादा चलें। और इंतहा होती है जब शुगर की, तब हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो ये आता है गोंद जामुन, जामुन का गोंद आता है, वो ख़रीद लें, असली नकली मत लेना, ये नकली भी मिलते हैं और काफ़ी तेज़ होता है, 1-1 चुटकी दिन में 2-3 बार खा लिया करें। ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, गोंद होता है जामुन का, असली ख़रीदना ज़रूरी है, इसको फिर पाउडर बना लें, ये तो कच्ची दवा है, कच्चा गोंद है, और 1 चुटकी में जितना आए ऐसी 1-1 चुटकी दिन में 2 या 3 बार खा लिया करें और गर्म पानी के साथ लें तो उनको काफ़ी कंट्रोल होना मुमकिन है। रानी जी स्वागत है आपका। संजय जी नमस्कार, हकीम साहब को सलाम अलैकुम। आदाब आदाब, स्वागत, जय हिंद। हकीम साहब मेरा लड़का है 45-46 साल का, और उसको ना मेरी उसको ये देखिए कि जन्म से दमा भी है और पेट बहुत बढ़ गया, 2-3 साल से घर पे ही बैठना और वीकनेस है, क्योंकि सीधा है, थोड़ा चंड चलाकी तो है ही नहीं उसमें, बहुत सीधा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम उसको कहते हैं ये दवाई ले दो, ठीक है कहेगा ले लूं, लेकिन मैं यूं डरती हूँ इसकी नसों में दर्द है, जन्म से उसने सांस की तकलीफें खाई है, पेट पिंडलियों में दर्द रहता है, फैटी लीवर बताया पता नहीं क्या क्या, मुझे तो समझ नहीं आता। परवाह मत कीजिए, अभी तक आपने यूनानी इलाज नहीं लिया होगा, यूनानी इलाज दुनिया का बेहतरीन इलाज कहलाता है। तो देखिए समझ लीजिए, अगर उसको दमा की दवा चलती है तो उसे छुड़ाना नहीं, और दमे वाले लोगों का वजन वेट और पेट कम होना चाहिए। सपिस्तान, सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम, 100-100 ग्राम लें और उन्नाब की गुठली निकालकर फेंक देनी पड़ती है, और इसमें 30 ग्राम पीपला मूल, पीपला मूल, इसे पीपला भी कहते हैं, हमारे किचन के गर्म मसालों में एक इतनी बड़ी सी खूबसूरत सी चीज़ होती है जिसे पीपला मूल या पीपलें कहते हैं, ये 30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम, इनका पाउडर बना के बच्चे को 1 चम्मच सुबह खाली पेट दें, पानी से, गर्म पानी से, ठीक है, और 1 चम्मच रात को सोते समय उनकी दवाएं चलने दें, धीरे धीरे उनके फेफड़े मजबूत होंगे, दमा कमज़ोर पड़ेगा, ये उनके दमा के लिए है। अब उनके जो नसों में दर्द है और ये सब है दूसरी चीज़ें, उसके लिए एक नुस्खा गोंद सियाह, गोंद सियाह यानी काला गोंद, असली लें, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी है आपकी, 0.5 ग्राम सुबह, 0.5 ग्राम शाम खाने के बाद पानी से दें, और किस पानी से देना है, 1 चुटकी सोडा आपके किचन में है जो बेकिंग पाउडर कहते हैं, खाने का सोडा, मीठा सोडा कहते हैं, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला दें, गर्म पानी में, और ये पानी से 0.5 ग्राम गोंद सियाह खाने के बाद दें, दूध बिल्कुल बंद कर दें, दमे वाले को दूध नहीं पीना चाहिए, और एक 0.5 ग्राम गोंद सियाह के साथ ये नमक, ये खाने के सोडे का पानी पिलाएं सुबह को और रात को खाना के बाद भी ये दें, तो बच्चा तंदुरुस्त हो सकता है, 2-4 महीने इलाज करें आपको फ़ायदा मुमकिन है। स्वागत है आपका।
बेटा वो मैं बोल रहा था, हमारे घर में मिसेस की तल पैर में बहुत ज्यादा जलन होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। सीने में जलन होती है? तल में, तल पैर में, पैर में, हाँ तल पैर, पंजों में, तलुओं में बहुत ज्यादा जलन होती है। गौर से सुनिए नुस्खा, धनिया है, धनिया ये आधा चम्मच खिलाना है आपकी घरवाली को, और आधा ग्राम गोंद स्याह इसमें मिला कर खिलाना है नाश्ते के बाद। अगर वो हेल्दी हैं तो पानी से, और कमज़ोर हैं तो दूध से, समझ लीजिए। एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, और असली लेना बहुत ज़रूरी है, नकली बेहिसाब मिलता है। गोंद स्याह खरीद लें, आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा चम्मच धनिया का पाउडर में मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खिला दिया करिए, आपकी पत्नी का अच्छा होना मुमकिन है।